स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज हम उर्दू लेक्चर नंबर 4 पढ़ेंगे, जिसका उनवान है ज़मीन के खजाने। इसकी रीडिंग हम स्टूडेंट्स कर चुके हैं। आज हम इसके बाकी जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, वर्क बुक का जो काम है, बुक वर्क है, वो हम करेंगे। सबसे पहले है इसमें इमला के अल्फाज। तो इमला के अल्फाज हैं नेमते, फर्श खाकी, सता, खोज, मुसलसल। क्वेश्चन नंबर 2 है अल्फाज मानी। अल्फाज मानी में फर्स्ट हमारे पास वर्ड है खजाने, जिसका मतलब होता है कीमती छुपी हुई दौलत। उसके बाद है हमवार। हमवार का मतलब है बराबर। खोज, खोज तलाश को कहते हैं। हिकमत, इसका मीन है दलाई, मुफीद, फ़ायदेमंद। नेक्स्ट है हमारे पास अल्फाज जुमले। फर्स्ट वर्ड है पोशीदा। पोशीदा का मतलब होता है छुपे हुए। ज़मीन के अंदर खजाने पोशीदा हैं। नेक्स्ट है शीरी। शीरी का मतलब होता है मीठा। आम एक शीरीन फल है। खोज, खोज तलाश को कहते हैं। इंसान खजानों का खोज लगाता है। हिकमत, अल्लाह के हर काम में हिकमत है। फ्राहम, दरख्त साया फ्राहम करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन आंसर, सवाल जवाब। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हम ज़मीन में क्या उगाते हैं। यहाँ पर मैंने स्टूडेंट्स आंसर्स राइट किए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, हम ज़मीन में बल्ला उगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ज़मीन में कौन कौन सी मुफीद धातें पाई जाती हैं। लोहा, तांबा, सोना, चांदी वगैरह। क्वेश्चन नंबर 3 है, पानी के ज़खायर कहाँ हैं। पानी के ज़खायर ज़मीन की तह में हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, तवानाई के ज़राए कौन कौन से हैं। पेट्रोल, कुदरती गैस, मिट्टी का तेल और कोयला वगैरह। क्वेश्चन नंबर 5 है, कुदरत ने ये सारे ज़खीरे क्यों छुपा रखे हैं। ताकि इंसान मेहनत करके इन खजानों का खोज लगाए और अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करे। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स बाहर जमा। फर्स्ट वर्ड है धात, जिसकी जमा होगी धाते। छः अशिया, ज़रिया, ज़राए। ज़खीरा की जमा होगी ज़खायर। ख़जाना, इसकी जमा ख़जाने। नेक्स्ट देखें, वर्कबुक पेज नंबर 11 पे है ग्रुप वर्क। आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में किस तरह ज़मीन के खजानों से फ़ायदे हासिल करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखें, ज़मीन से क्या कुछ हमें मिलता है। ज़मीन से तेल निकलता है, जो घरों में बतौर ईंधन इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ज़मीन से कीमती पत्थर निकलता है, जिससे जेवरात बनाए जाते हैं। और सबसे अहम चीज़, ज़मीन से पानी निकलता है, जो ज़िंदगी की बका के लिए ज़रूरी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।